हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आज के इस टॉपिक में हम केंद्रीय सूचना आयोग का गठन तथा राज्य सूचना आयोग के गठन पर थोड़ा विस्तार से उसकी इंपॉर्टेंट धाराओं पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो चालू करने से पहले यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को जरूर थोड़ा सा टाइम निकाल करके लाइक जरूर किया कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो कि कवर है आपका सेक्शन 12 से लेकर के 14 यानी धारा 12 से लेकर 14 के मध्य आपका केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका धारा 12 यानी सेक्शन 12। देखिए, ये जो आपका केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कैसे होता है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार के अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है। मतलब जब ये अधिनियम लाया गया था आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके पश्चात आपके केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया था। उस अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात ही आपके केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है, ठीक। देखिए, अब इसकी संरचना समझिएगा। संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसमें 10 सदस्य, मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। जो इसका अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष कहलाएगा आपका मुख्य सूचना आयुक्त। जो आपका केंद्रीय सूचना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कहलाता है आपका मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त, केवल एक ही मुख्य आयुक्त सूचना होंगे, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक। सदस्यों की संख्या जो मैक्सिमम 10 हो सकती है, सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 10 हो सकती है, यानी 10 से अधिक कभी नहीं होगी। जो आपका जो केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तो होंगे, उसके साथ साथ 10 अन्य सूचना आयुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक कभी नहीं होंगे। इसकी संख्या का निर्धारण करता है आपका मुख्य सूचना आयुक्त, यानी मुख्य सूचना आयुक्त तो को जितने भी सदस्यों की आवश्यकता है उसके हिसाब से ये सदस्य संख्या निर्धारित कर सकता है, लेकिन कभी भी 10 से अधिक सदस्यों की संख्या नहीं होगी। वर्तमान में भारत के जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है, वो है आपके सुधीर भार्गव। वर्तमान में, अभी इन्हें जनवरी 2019 में ही बनाया गया है, अभी वर्तमान में आपके मुख्य सूचना आयुक्त तो है आपके सुधीर भार्गव, ठीक। इसे भी याद रखिएगा, करंट का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये जो अध्यक्ष और सदस्य है, इस अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, दोनों की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष और सदस्य। ये अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एक समिति के सिफारिश के आधार पर। एक समिति के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखिए, ये जो समिति है, समिति जो इस अध्यक्ष और सदस्य कौन होना चाहिए इसकी सिफारिश करती है। वो समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? पहली बात तो उसमें वो जो समिति है, वो समिति में जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। जो सिफारिश समिति है, उस सिफारिश समिति का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। सेकेंड, लोकसभा विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता, इसका एक सदस्य होता है। लोकसभा के विपक्ष का नेता बोलिए या लोकसभा नेता प्रतिपक्ष बोलिए, दोनों एक ही है। लोकसभा के विपक्ष का नेता, इसका एक सदस्य होता है। और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल मतलब जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री में से किसी एक मंत्री को उसका सदस्य बनाया जाता है। उस कैबिनेट मंत्री के किसी एक मंत्री का नाम प्रधानमंत्री स्वयं नामित करता है, उसके नाम को प्रधानमंत्री रखता है। तो ये जो समिति है जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, लोकसभा के विपक्ष का नेता सदस्य है और मंत्रिमंडल का एक मंत्री सदस्य है, इनकी सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति इस अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसे याद रखिएगा। योग्यता, अब देखिए, ये जो आपके अध्यक्ष है और सदस्य है, यानी मुख्य सूचना आयुक्त तो और अन्य सूचना आयुक्त तो जो है, उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, किन्हें अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा, किन्हें मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त तो बनाया जाएगा, दोनों की योग्यताएं सेम है। देखिए, विधि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या समाज सेवा या प्रबंध या पत्रकारिता या जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन। देखिए, कौन कौन सा, विधि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध,
पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम और प्रशासन, किसी भी एक क्षेत्र का व्यापक ज्ञान या इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही जिस किसी भी व्यक्ति में ये सारे की सारे किसी भी एक क्षेत्र का उसे व्यापक ज्ञान है तो उस व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा, ये योग्यता है। देखिए, ये योग्यता के बाद ये लिखा है अयोग्यता। अयोग्यता मतलब ये योग्यता में ही शामिल है, लेकिन किस व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता उसे समझिएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य है, या किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधान मंडल का सदस्य है, या किसी लाभ के पद पर है, या किसी राजनीतिक दल से उसका संबंध है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपका अध्यक्ष या सदस्य या मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। याद रखिएगा, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, या किसी भी राजनीतिक दल से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही व्यक्ति को आपका मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा। ठीक, ये अयोग्यता है। ठीक, इनमें ये चीजें, अगर कोई व्यक्ति सदस्य है या विधानमंडल का सदस्य है, लाभ के पद पर है, या किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपका बनाया नहीं जाएगा। ठीक, देखिए अब है आपका धारा 13। देखिए, जो आपका धारा 12 है यानी सेक्शन 12 है, उसमें गठन, संरचना, नियुक्ति, योग्यता, अयोग्यता, ये सारे चीज़ें शामिल है। ध्यान दीजिएगा, सारे चीज़ें, गठन, संरचना, नियुक्ति, योग्यता और अयोग्यता। अब देखिए, सेक्शन 13 या धारा 13, देखिए इसमें बताया गया पदावधि, मतलब जो आपके ये जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त, दोनों की बात कर रहा हूँ, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त, इनकी पदावधि कितनी होगी। देखिए, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य सूचना आयुक्त है, वे मैक्सिमम 5 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे, 5 साल या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो। ठीक, या तो जब जो इनकी रिटायरमेंट का जो समय है, रिटायरमेंट का समय या तो 5 साल के लिए होगा, या अगर वो 65 वर्ष के हो जाते हैं तो उस समय वे रिटायर हो जाएंगे। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इसे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके CIC मीन्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, यानी जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी एक बार यदि कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त बन जाता है तो उसकी पुनर्नियुक्ति उस पद पर दोबारा नहीं की जाएगी। इसमें अलग से मेंशन किया गया है, याद रखिएगा। देखिए, ये जो आपका ये जो सूचना आयुक्त है, सूचना आयुक्त के लिए भी मेंशन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार आपका सूचना आयुक्त बन जाता है तो दोबारा उसे उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका मुख्य, जो आपके अन्य सूचना आयुक्त है, मतलब ये अन्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त पर नियुक्त किए जा सकते हैं, यानी इन्हें इन्हीं के पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। ना ही मुख्य सूचना आयुक्त को उसके पद पर दोबारा नियुक्त किया जाएगा, ना ही सूचना आयुक्त को उसके पद पर दोबारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो आपके सूचना आयुक्त है, यानी अन्य सूचना आयुक्त है, वो प्रमोट होकर के या उनकी नियुक्ति आपके मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में की जा सकती है। ठीक, देखिए अब इन्हें इनके पद की शपथ कौन दिलाता है, इन्हें इनकी पद की शपथ दिलाता है आपका राष्ट्रपति। पद त्याग, ये अपने पद का त्याग कैसे करेंगे, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक हस्ताक्षरित लेख लिखकर अपनी इस निर्धारित अवधि से पहले भी ये अपने पद से त्याग दे सकते हैं, यानी त्याग पत्र के माध्यम से। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक हस्ताक्षरित लेख लिख करके वे अपने पद से, अपने अवधि के पूर्ण होने से पहले भी अपने पद का त्याग कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट, सेवा शर्ते वेतन एवं भत्ते, यानी इनका, इनके जो पद की शर्तें क्या क्या है, या इनका जो वेतन और भत्ता, इनको जो इनका जो पेमेंट है किस प्रकार से होगा उसे देखिएगा। ये जो आपका मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें और वेतन एवं भत्ते आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए यहाँ निर्वाचन है,
यहां सूचना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। ये क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा एवं शर्तें, वेतन एवं भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे। वैसे ही आपके अन्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त के सेवा एवं शर्तें, वेतन एवं भत्ते आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे। देखिए, जो भी है सेवा शर्तें सूचना आयुक्त के, वे निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे, ठीक। देखिए नेक्स्ट सेक्शन 13 यही खत्म। अब आता है आपका सेक्शन 14 यानी धारा 14। धारा 14 में है पद मुक्ति, मतलब ये इन्हें इनके पद से कब मुक्त किया जा सकता है। कारण क्या होगा? कारण होगा जब इन पर कोई कदाचार साबित हो, किसी भी प्रकार का कदाचार साबित होने की स्थिति में या असमर्थता के आधार पर, यानी वो किसी कार्य को करने में असमर्थ हो रहे हैं, कदाचार की स्थिति में या असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश पर इन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। कारण केवल एक ही होगा, क्या? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा उसे उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक। तो यही है आपका धारा 12 से लेकर 14 तक, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक। तो 12, 13, 14 अब समझिएगा, ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इस केंद्रीय सूचना आयोग के समान ही, एकदम सेम टू सेम है आपका राज्य सूचना आयोग। देखिए थोड़ा सा चेंजेस करना है, जैसे आपका जो केंद्रीय सूचना आयोग है ये 12 से आपका 14 है, तो आपका राज्य सूचना आयोग, देखिए मैं आपको अलग से नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा स्टडी मटेरियल बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। आप इसी में समझिएगा क्या है, जो आपका जो केंद्रीय सूचना आयोग है यही इसी के समान है आपका राज्य सूचना आयोग। ये धारा आपका 12 से 14 तक दिया है, वो इसी के आगे धारा 15 से 17 में दिया गया है, ठीक। मतलब जहां आप धारा 12 लिखे हैं, धारा 12 के जगह धारा 15 कर दीजिए। सेम गठन कैसे किया जाएगा आपका राज्य सूचना आयोग का? राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा। अध्यक्ष एक ही होगा, जो यहां पर आपका मुख्य सूचना आयुक्त है, यानी केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त है, वहां हो जाएगा आपका राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। अध्यक्ष की संख्या 1 सेम रहेगी, सदस्यों की संख्या 10 सेम रहेगी, सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। अब देखिए नियुक्ति जो यहां पर आपका केंद्रीय सूचना आयोग में राष्ट्रपति कर रहा था, वहीं पर आपका राज्य सूचना आयोग में आपका राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति आपका राज्यपाल करेगा। जहां पर राष्ट्रपति का कार्य हो रहा था, वहां पर अब वह कार्य कौन करेगा? आपका राज्यपाल। अब इसकी भी एक सिफारिश समिति है, जो इस सिफारिश समिति का जो अध्यक्ष यहाँ पे प्रधानमंत्री था, इस प्रधानमंत्री के जगह अब कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री। तो इसमें हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री, ठीक। ये जो आप लोकसभा में जो विपक्ष का नेता था, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता की जगह आ जाएगा आपके विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, ठीक। योग्यता सेम रहेगी, अयोग्यता भी सेम रहेगी। अयोग्यता में ये सब शामिल है, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक। धारा जो आपका यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ 15 कवर किया, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक। 16 इसमें भी सेम रहेगा, पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ यहाँ पे दिलाएगा आपका राज्यपाल। इसके लिए भी सेम कंडीशन है, जो CIC है, यानी जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, उसे दोबारा उसके पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी यदि उसे पद का त्याग करना हो, तो यहाँ पर वो राज्यपाल को संबोधित करते हुए एक हस्ताक्षरित लेख के माध्यम से अपने पद का त्याग कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो सेवा और शर्तें और वेतन एवं भत्ते है, यहाँ पर क्या लिखा है? मुख्य सूचना आयुक्त का आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होगा, जबकि अन्य सूचना आयुक्त का राज्य के अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान वेतन एवं भत्ते और आपका सेवा एवं शर्तें होगा। लेकिन देखिए कुछ जगह पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अन्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के केस की बता रहा हूं, केंद्र नहीं, राज्य वाले कंडीशन में, या यहां पे लिख लीजिएगा राज्य मुख्य सचिव। देखिए ये वाला सेम रहेगा, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है उसका सेम रहेगा राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान, लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्त है राज्य के लिए वो अन्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य के मुख्य सचिव के समान उसके सेवा या शर्तें या वेतन एवं भत्ते होंगे। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बाकी जो आपका सेक्शन यहाँ पे 14 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका सेक्शन 17। पदमुक्ति सेम रहेगा साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, किसके द्वारा की जाएगी, यहाँ पे आप हाई कोर्ट मत कीजिएगा, यहाँ पर भी आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात राज्यपाल के आदेश पर, राज्यपाल के आदेश पर उसे पदमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक।